सर आसिफ शेख बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, कैसे कैसे जी? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे सर, तबीयत आपकी? मैं चिंता करी है सब लोगों की। जी सर, मालेगांव की जो परिस्थिति तो आपको पता है सर। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी सर, मालेगांव की परिस्थिति आपको पता है, 172 का आंकड़ा गया है पॉजिटिव का। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना कि जो जनरल जो पब्लिक है, जिनको अदर जो बीमारी है, जिनका शुगर है, जिनका हार्ट है या जो है, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर अभी तक कुछ लोगों ने ओपन किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। इस कारण से सर इस हफ्ते में 500-600 लोगों की डेथ हुई है, उन लोगों को सुविधा नहीं मिलने के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से। सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे इसी है कि आप यहाँ नीचे लोकल लेवल के ऊपर अगर बोलकर उनकी मीटिंग वगैरह अरेंज कराकर उनके जो भी समस्या होगी, जो भी उनके रिक्वायरमेंट होंगे वो पूरी हो जाएगी, तो सर ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि अभी डेथ तो कोरोना से 12 हुई है, लेकिन बाकी 500-600 लोग इस हफ्ते के अंदर चले गए सर। उसका रिकॉर्ड है क्या? जी सर, रिकॉर्ड है मेरे पास सर। अच्छा, मेरे पास सब कब्रस्तान का रिकॉर्ड है। और कई लोग जैसे रात भर मैं जागता हूँ, दिन में भी जागता हूँ, तो लोगों से मेरा जो संपर्क है, लोग उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों में बाहर से वापस कर देते हैं, तो ये सब समस्या है सर। दूसरी बात सर ऐसा है ना कि जनरल हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट का और म्युनिसिपल कारपोरेशन का एक अली अकबर हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी अगर जनरल के लिए भी अगर आप उनको बोलेंगे कि भाई इसको ओपनिंग करो, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा जो बाकी पेशेंट अगर बीमारी के, तो उनको उपचार वहाँ पर मिलना चाहिए, वहाँ पर स्टाफ वगैरह बढ़ाकर। डिलीवरी के अंदर भी सर एक दो एक्सपायर हुई है कई दो लेडीज इसके अंदर सर, उन लोगों को सुविधा नहीं मिलने के कारण से। तो सर ये चीजें बहुत जरूरी है सर। तुम्हारा क्या लगता है, ये अगर हम नासिक में शिफ्ट करते हैं, कोई भी अगर बीमार पेशेंट नासिक को अगर भेजते हैं, तो क्या लगता है तुम्हारे को? जी सर, नासिक में भी जा सकते हैं, धुलिया भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि नासिक के अंदर हॉस्पिटल वाले इनको लेते ही नहीं है ना। नासिक के अंदर उनको थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्शन आता है या धुलिया वालों को भी ऑब्जेक्शन आता है, वो वापस भेज देते हैं। तो वो नॉन कोविड अगर है, नॉन कोविड का मतलब नॉन कोविड के लोगों को भी नहीं लेते है ना, उनको बोलते पहले आप जाकर पहले कोविड चेक करा के आइए, आपको कोरोना है या नहीं, रिपोर्ट आने के बाद हम उपचार करेंगे। ये बड़ी समस्या है सर। हाँ सर, ये एक विषय बहुत गंभीर है। तो सर मालेगांव में सामान्य रोगनालय 200 बेड का है, अगर वहीं पर भी हम डॉक्टर्स वगैरह बढ़ा देंगे गवर्नमेंट के और वहाँ पर इनका उपचार अगर होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बाहर जाने की कुछ आवश्यकता होगी। और कुछ उनको ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है, ये सामान्य जो है जी सर, वो कोविड हॉस्पिटल है ना वो? नहीं सर, वो कोविड मुक्त कर दिए, अभी 4 दिन हुआ है, उन्होंने वहाँ पर कोरोना का पेशेंट लेना बंद किया है, ये अदर बीमारी के लिए उन्होंने ओपन किया सर। हाँ, तो फिर वहाँ पर हम सब आईसीयू वगैरह है ना वहाँ पर? जी वहाँ पर आईसीयू है सर, वहाँ पर अगर जो ऑक्सीजन लग रहा है बाकी लोगों को ये जो मौसम में, तो जो लोगों के 70 वय है, जिन लोगों का 60 है, जिनको इसकी आवश्यकता लग रही है, तो वहाँ अगर इसके ऊपर ज्यादा वहाँ पर हम अगर ऑक्सीजन का हो जाता है अपना अरेंजमेंट, तो मैं समझता हूँ सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और कारपोरेशन का एक हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन अगर वहाँ पर भी ये हो जाएगा ना, तो सर बहुत बड़ी समस्या। और प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन होना चाहिए सब सर। प्राइवेट जो है वो खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों के आपके या हिंदू के? सर मुस्लिम समाज के भी हॉस्पिटल जो है 50% ही ओपन हुआ है सर। तो वो क्यों नहीं समाज के हॉस्पिटल वो भी बंद करके रखे हैं? अब उनकी समस्या क्या है, ये प्रशासन सिर्फ मीटिंग ले रहा है और मीटिंग के अंदर बात हो रही है, बात खत्म हो जा रही है, लेकिन इनको स्ट्रिक्टली अगर बोला गया कि आपको खुलना है कंपलसरी और पेशेंट लेना है आपको अदर, तो मैं समझता हूँ वो भी सॉल्व होगा, वो कोई बोल ही नहीं पाए ना। वो हमने अगर फुल दादागिरी की और वहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन कल उनके नर्सिंग होम लाइसेंस कैंसिल कर दिए प्रैक्टिस, तो फिर वो सीट हो जाएगी क्या? वो करेगा काम? कारपोरेशन ने उनको ऑलरेडी नोटिस दिया है कि आप ओपनिंग करो, लेकिन कई लोगों ने ओपनिंग किया है, कई लोगों ने ओपन नहीं किया है, तो इसी के लिए और स्ट्रिक्ट अगर कोई आदेश आता है और या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है क्या, उनका कुछ बोलना है क्या, समस्या है वो सुन लेना चाहिए सर। अच्छा, नहीं तो मैं आके गया वहाँ पर तो। जी सर वेलकम सर, आप आ जाएंगे तो और अच्छा एक मीटिंग ले लेंगे,
तो आप रेस्ट हाउस में आकर एक मीटिंग ले लेंगे तो उनकी समस्या जान लेंगे, तो मैं समझता हूँ और अच्छा हो जाएगा सर। ठीक है ठीक है, मैं आके जाता हूँ कल। और दूसरी बात सर, ये जो नेगेटिव रिपोर्ट आती है और जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो ये रिपोर्ट जो है ना, जो क्वारंटाइन जितने लोग हैं 14 दिन जितना हो गया ना, इनको रिलीज करना चाहिए। इनका ना मिस मैनेजमेंट दिख रहा है मुझे, है ना, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा आदेश दे देंगे कि भाई ये तुम एक सस्पेंस लगा दीजिए कि जिनका 14 दिन हो उनको रिलीज कर दीजिए, और जिनका 14 दिन नहीं हो तो एक प्रेस नोट आना चाहिए। पब्लिक को ये माहिती नहीं दे पा रहे कि भाई पब्लिक बहुत परेशान है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हमको कैसे करना है फॉलो अप। तो ये तो समस्या है। मैं भी एक पत्र आपको दे रहा हूँ सर, आप उसके ऊपर भी आदेश दे सकते हैं। मैं आपको एक घंटे में व्हाट्सएप कर देता हूँ सर, मेल भी करता हूँ। मेल करो, मेरा नंबर है ना, मेल का है मेरे पास है सर, 11@gmail.com जी है सर मेरे पास। सर अगर आप आ जाएंगे वेलकम सर, आप मुझे बताइए तो हम वैसा फिर मैं आऊंगा सर, है ना। जब ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ओके।